My name is Priyavrat Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, बहुत दिन धरी request आसीथला direct और reported speech विषय रे video करिबा पाई. So आज आम माने direct and indirect speech बा direct and reported speech उपरे ए video टी को प्रस्तुत करिछंती. आशा करे ए video टी आपण मानकर डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच रे थिबा प्रत्येक डाउट को क्लियर करेबो. सो विलंब करबा नै डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच को जिबा. ताहले डायरेक्ट स्पीच कोन प्रथम आमे जानिबा. व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. स्पीकर जो कथाटा कहूची सेटा डायरेक्ट स्पीच रे अछि. ताकु आउ जणी जाहिं कि कहूची सेटा रिपोर्टेड स्पीच बा इनडायरेक्ट स्पीच रे नारद वाणी सी. सपोज रामचंद्र कहिले लक्ष्मण मोर सबुठु प्रिय. से कथा को शत्रुघ्न सुनिले से जाई भरत को कहिले कौन कहिबे रामचंद्र कहुचले कि लक्ष्मण तांकर सबुठु प्रिय बोली. ताले सी जोटा कहिले सेटा को रिपोर्टेड स्पीच आमे कहिबा. रामचंद्र जो कथाटा कहिले ताको आमे डायरेक्ट स्पीच कहिबा. आउथरे कहुची व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जांपल ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल. देखंतु आई एम गोइंग टू स्कूल टी आपणकर उद्धृत चिन्ह भितरे अछि. तले ए जो तांकर स्पीच टा अछि सेटा कोन अछि ना डायरेक्ट स्पीच रे अछि. आपण डायरेक्ट स्पीच रे सबले देखिबे गोटे कमा थिबो भर परे आउ जो स्टेटमेंटा थिबो बा तांकर जो स्पीचटा थिबो कर्ता जो कथाटा कहितिबो सेटा उद्धृत चिन्ह भितरे थिबो. व्हेन द मेन आइडिया ऑफ अ स्पीकर्स वर्ड इज रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन एंड द एक्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट क्वोटेड इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. माने रिपोर्टेड स्पीच का कहे जितेबले स्पीकर जो कथा कहितिबो ताकु आउ जणे जाईकी रिपोर्ट करची बा आउ जणे कहूची आउ जो एग्जैक्ट कथा जोटा थिला सेठी आपणकर क्वोटेड हेकी क्वोट चिन्ह भितरे थिला सेटा नथिबो ताहाले सेटा आसीकी इनडायरेक्ट स्पीच बा रिपोर्टेड स्पीच बोली कुहा जिवो. ता माने डायरेक्ट स्पीच रे कर्ता कहितबा कथा को जदि आउ जणे आसीकी रिपोर्ट करूची एग्जैक्ट वर्ड्स गुड़ को न करी ता अनुसार रिपोर्ट करी कहूँ ताल ताकू इनडायरेक्ट स्पीच बा रिपोर्टेड स्पीच कहा. फॉर एग्जांपल जोटा आपन थिला ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल एठी आसला ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल. से कहला जे से स्कूल को जाउथला. देखंतु आई एम गोइंग टू स्कूल टी क्योट भितरे थिला किंतु एठी से चिन्ह कुआडे उठी गला. सो क्वोटेशन मार्क्स और इनवर्टेड कमास आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच रे क्वोटेशन मार्क बा इनवर्टेड कमा रहिबो. फॉर एग्जांपल आई हैव कट माय फिंगर क्राइड मिस्टर शर्मा. तेणु एटा क्वोटेशन बा इनवर्टेड कमा भीतर अछि तेणु एटा हला डायरेक्ट स्पीच. क्वोटेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट स्पीच रे क्वोटेशन मार्क रहे इनडायरेक्ट स्पीच रे क्वोटेशन मार्क रहे नाही. जमीती कि आई हाव कट माई फिंगर जो सेन्टेन्स टी एम रिपोर्टेड स्पीच रे देखा मिस्टर शर्मा क्राइड दैट सी हाड कट हर फिंगर. ताले एठी प्रथम जिनस जान लें डायरेक्ट आउ रिपोर्टेड सेन्टेन्स स्ट्रक्चर भितर इनवर्टेड कमा डायरेक्ट स्पीच रे रही इनडायरेक्ट बा रिपोर्टेड स्पीच रे. क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स आर नॉट यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच रे कौन सी क्वेश्चन मार्क बा एक्सक्लेमेशन मार्क रहिबो नाही. आश्चर्य सूचक जो मार्क आम रहे बा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह रहे सीरा रहिबो नाही. इज इट ब्लीडिंग वेरी मच मिस्टर शर्मा आस्क्ड. मिस्टर शर्मा पचारुछंती एटा कौन बहुत जोर ब्लीडिंग होउछि कि. डायरेक्ट स्पीच रे देखंतु रहिला चिन्ह किंतु रिपोर्टेड स्पीच बा इनडायरेक्ट स्पीच रे रहिबो नाही. मिस्टर शर्मा आस्क्ड क्वेश्चन मार्क जेहेतु थिला इफ लागला इफ इट वाज ब्लीडिंग वेरी मच. आम सब विषय डिस्कशन करवा गोटा पर गोटा स्टेप जावा. एपर्तंत आम जाने डायरेक्ट स्पीच रे इनवर्टेड कमा रहिबो इनडायरेक्ट स्पीच रे रहिबो नाही.
क्वेश्चन मार्क बा एक्सक्लेमेटरी मार्क रहिबो डायट स्पीच रे रिपोर्टेड रे रहिबो नाहीं। नेक्स्ट पॉइंट को जीबा इन रिपोर्टेड स्पीच द रिपोर्टिंग वर्ब्स लाइक आस्ड इंक्वायर्ड कमांडेड ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड एडवाइज्ड सजेस्टेड एक्सक्लेम्ड शाउटेड एटसेट्रा आर ऑफन यूज्ड इन प्लेस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू कन्वे द मूड ऑफ द स्पोकन वर्ड्स। डायट स्पीच रे नॉर्मली सेड रहुचि जदि सेड होइ कि गुटे क्वेश्चन मार्क अछि रिपोर्टेड स्पीच सेटा आस्ड हे जइबो। गुटे एक्सक्लेमेटरी मार्क अछि डायट स्पीच रे सेड सहित रिपोर्टेड स्पीच रे सेटा एक्सक्लेम्ड हे जइबो। तेणु डायट स्पीच रु इनडायरेक्ट स्पीच बा रिपोर्टेड स्पीच कला बेलकु जेते सब रिपोर्टिंग वर्ब रहिचि सेगुडीक सब चेंज हम यही भली भावरे कौन पाई ना मूड ऑफ द स्पोकन वर्ड्स ताकु कन्वे करबा पाई जेमती रमेश सेड हाउ हॉट द सूप इज एक्सक्लेमेटरी मार्क अछि रमेश एक्सक्लेम्ड दैट द सूप वाज हॉट इनडायरेक्ट स्पीच को आसीगला। स्टर इट विथ योर स्पून हि सिस्टर सेड ता सिस्टर कहला कि ताकु स्पून ने स्टर कर तले हि सिस्टर एडवाइज्ड हिम टू स्टर इट विथ अ स्पून इनडायरेक्ट स्पीच होची। सिमिलरली द सन सेड टू हिज मदर आई शाल नेवर बी रूड टू यू सन कहुची माँ को मु तुम प्रति केबे रूड हबो नहीं तले से प्रोमिस करुची द सन प्रोमिस्ड हिज मदर दैट ही वुड नेवर बी रूड टू हर। व्हाई हैज द क्लॉक स्टॉप्ड थॉट पीटर पीटर वंडर्ड व्हाई द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। ये गला गोटे पर गोटे स्टेप आम कहे प्रथम कहले कोटेशन मार्क रहे डायरेक्ट स्पीच रे एथरे रहेनी देन एक्सक्लेमेटरी मार्क एथरे रहे सेथरे रहेनी बुझेला से भाई भाव में ये सब कहली जितक सब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुए खाली सेड रु विभिन्न सब अच्छी चेंज एडवाइस सजेस्टेड इनक्वायर्ड कमांडेड ऑर्डर्ड ये सब चेंज हे इन ऑर्डर टू कन्वे द मूड ऑफ द स्पोकन वर्ड्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को जीवा द टेन्स ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द पास्ट टेन्स हाउएवर इफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज स्टेटिंग अ यूनिवर्सल ट्रुथ अ हैबिट अ कॉन्स्टेंट सिचुएशन द टेन्स ऑफ दैट वर्ब डज नॉट चेंज। रिपोर्टेड स्पीच रे टेन्स नॉर्मली पास्ट टेन्स रे रहिबो किंतु जदि वर्ब मेन जो रिपोर्टेड स्पीच रे जो वर्ब अछि सी जदि कोनोसी इनवर्सल ट्रुथ हो कोनोसी दैट मीन्स चिरंतन सत्य हो कोनोसी हैबिट हो कोनोसी कांस्टेंट सिचुएशन हो एसबु जदि थिबो ताहाले रिपोर्टेड स्पीच रो वर्ब चेंज हुए नाही। द बॉय सेड आई ब्रश माय टीथ एवरीडे ताले एवरीडे अछि एवरीडे मीन्स एटा गोटे हैबिचुअल एक्शन ताले द बॉय सेड दैट हि ब्रशेस हिज टीथ एवरीडे आज इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस रे रहला। Similarly, the teacher said the sun rises in the east. Again, eta hochi universal truth. Tenu seta aaj it is rahibo khali that lagijibo. The teacher said that the sun rises in the east. She said my son wants to be an actor. That speech seta uti apnakara rahuchi semti constant situation rahuchi ba habitual action rahuchi gota habit rahuchi se kahuchi ki mo puo chahuchi gota actor heba pai tar chahuthila haboni na. She said that her son again as it is right wants to be an actor. Okay, now next point ko jiba in an indirect or reported question the subject comes before the verb not after it. You do not use the helping verb do to inform to form reported questions. Autre ko chi gote indirect by reported question re subject sabu bele verb ro पूर्वरु आसिबो तापरे नुह तुमको कोनोसी हेल्पिंग वर्ब बा डू को यूज करबा को पड़िबो नाही जेमते कि एग्जांपल पॉल सेड व्हाट टाइम डज द बॉस कम एडी हबो पॉल आस्ट कमा उ इनवर्टेड कमा उठी गला व्हाट टाइम द बॉस केम डू वर्ब उठी गला। सारा सेड व्हेन डज द शो बिगिन सारा आस्ट when the show began right ye gote bodhiya point kala gote gote point apan bujhantu ye pratyek point ko jodi apan bujhile tahale apan kor direct aur reported speech clear hichibo
द प्रोनाउन्स आर अल्सो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच नाउन प्रोनाउन आप जानते जमी हि सी राइट माई ये सब गुड़िक चेंज हुए रिपोर्टेड स्पीच रे फॉर एग्जांपल हि सेड आई एम बोर्ड आईटा एटी हि सेड दैट हि वाज बोर्ड मीरा सेड वी आर गोइंग टू द मूवी ये देखो वीटा कटिकी दे लगी जाऊँगी तापर रिंकी सेड माय फ्रेंड गेव मी ए ट्रीट माय उठिकी तार तमें हर फ्रेंड गेव मीटा हो हर पु पिला हिता राइट प्रोनाउन्स ऑफ द सेकेंड पर्सन आर चेंज आज बिलो प्रोनाउन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन्स चेंज हुए केमी हि सेड टू हर यू आर ब्यूटिफुल से कहला झील पिलाटी कहला तुम्हें बहुत सुंदर बोली हि सेड टू हर दैट एटी यूटा हर मीन्स सी झील पिला सी वाज ब्यूटिफुल यू मस्ट राइट नीटली द टीचर टोल्ड हर पीपल्स मैंने टीचर होती लेडी द टीचर एडवाइज्ड हर पीपल्स दैट एटी यू मीन्स अधिकांश लोक पीपल्स मीन्स प्लुराल अच्छी तमें दे मस्ट राइट नीटली नेक्स्ट पॉइंट को जीवा प्रोनाउन्स ऑफ द थर्ड पर्सन डू नॉट चेंज थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स चेंज हुए ना जमीक आई सेड दे हाव गन आउट डायरेक्ट स्पीच रही इनडायरेक्ट कला बेलू थर्ड पर्सन चेंज हम ना आई इनफर्म दैट दे हाड गन आउट तापर देखो दिज बुक्स आर देयर्स आज इट इज देयर्स रहिला नेक्स्ट सेंटेंस रे ताले थर्ड पर्सन रो प्रोनाउंस चेंज हबो नाही नाउ इम्पोर्टेंट इज जिनस को आपण देखंतु आ अल्प समय रहिबो होप आपण यापर कंप्लीटली बुझी जिबे व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द टेंस ऑफ द वर्ब मस्ट चेंज अकॉर्डिंगली टेन्स गुड़िक भर्ब चेंज हम कि चेंज हम डायरेक्ट स्पीच रे जदि सिंपल प्रेजेंट अच्छी इनडायरेक्ट स्पीच रे सिंपल पास्ट हम सिंपल पास्ट थिले डायरेक्ट रे इनडायरेक्ट रे पास्ट परफेक्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूसटा पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट तामने आपन जितिक प्रेजेंट आउ पास्ट सब ऑटोमेटिकली पास्ट को हम मोडल गुड़िक जो कैन हम कुड साल हम वुड बा विल हब वुड मे हब माइट आउ थे देखु बागी कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कैन न कुड साल वुड विल वुड मे र माइट नाउ फॉर एग्जांपल सी सेड आई मे अटेंड द मीटिंग सी सेड दैट सी आईटा होगा सी मेटा हो माइट बाकी जहाँ अच्छे से रहा रेनु सेड आई हाफ फिनिश्ड आई हार्ड फिनिश्ड हो रेनु सेड दैट सी हार्ड फिनिश्ड हर वर्क नाउ नेक्स्ट पॉइंट वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड प्लेस आर चेंज टू वर्ड्स इंडिकेटिंग डिस्टेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस टाइम आउ प्लेस नियरनेसटा सब रिप्लेस हम चेंज हम कौट ना डिस्टेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस जबकि दिसटा डाट हबो दिसटा दोज हबो हियरटा देयर हबो नाउटा देन हबो टुडे दैट डे टुमरो द नेक्स्ट डे बा द फॉलोइंग डे यस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे फॉर एग्जांपल द इंटरव्यूअर सेड द यंग मैन वी विल लेट यू नो आवर डिसीजन बाय टुमरो इंटरव्यूअर यंग मैन को कहले कि आम कल सुधा तुमको आम डिसीजन जनइबू ताल कौन हम द इंटरव्यूअर सेड टू द यंग मैन दैट दे वुड लेट हिम नो देयर डिसीजन बाय टुमरो कौन है द नेक्स्ट डे दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू विल रिक्वायर द ट्रैवल एजेंट इनफॉर्म द टूरिस्ट ताल दीजा देख दोज हो जा द ट्रैवल एजेंट इनफॉर्म द टूरिस्ट दैट दोज वेयर द डॉक्यूमेंट्स सी वुड रिक्वायर नेक्स्ट पॉइंट जीवा व्वेन रिपोर्टिंग अ क्वेश्चन एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट द कनेक्टर दैट इज नॉट यूज्ड बढ़िया जिनसटा सब बेले दैट लगे आप देखते दैट एपर्त लगी बट जिते बड़े गोटे क्वेश्चन को आप रिपोर्ट कर गोटे ऑर्डर को गोटे रिक्वेस्ट को ताले कनेक्टर दैटा यूज हुए ना द गर्ल सेड मे आई कम इन
तो आ गर्ल आस देख क्वेश्चन अच्छे बोली उठिकी दैट लगलानी इफ लगला इफ सी कुड कम इन पे योर टैक्सेस द किंग ऑर्डर हिज सब्जेक्ट्स द किंग ऑर्डर हिज सब्जेक्ट्स जेहतु ऑर्डर अच्छे खाली टू लगेदेला टू पे देयर टैक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट को जीबा इन रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड और वर्ड्स और द साउंड यूज्ड बाय द स्पीकर टू एक्सप्रेस एन इमोशन इज ओमिटेड कौन सी इमोशन को एक्सप्रेस करने जो वार्ड लगी जमी हेलो वाओ कंग्रेचुलेशन ये सब गुड़िक ओमिट हो जाए रिपोर्टेड स्पीच बेलू। फॉर एग्जांपल वाओ व्हाट अ हैंडसम मैन ही इज द गर्ल सेड ये तो एक्सक्लेमेटरी अच्छी द गर्ल एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैंडसम मैन ही वाज वाओ उठीगला हेलो माय फ्रेंड सेड टू मी हाउ आर यू हेलो उठी जीव माय फ्रेंड ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड हाउ आई वाज होप ये मेन मेन पॉइंट मुझे डिस्कशन कली आपण मैंने बुझीपारी कौन सी डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच कला बेलू आशा करे यह आपण को एक बढ़िया इनसाइट देला डायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच को। नेक्स्ट आम आगामी दिन में यार बुक रु क्वेश्चन आंसर करने चेष्टा करवा आपण मैंने वीडियो देखु भल लगे सांग सहित शेयर करूँ लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू कीप वाचिंग कीप शेयरिंग कीप हेल्पिंग थैंक यू वेरी मच कीप लविंग थैंक यू।